नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस द्वारा शुरू किए गए प्रबल प्रहार को मिली एक बड़ी सफलता। जाइए, सिरसा ने 1,00,000 से अधिक नशे की गोलियां की बरामद। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने दी जानकारी। फुलका गांव क्षेत्र से पकड़ी गई ट्रामाडोल नामक नशे की गोलियां। प्रतिबंधित दवा की श्रेणी में आती है ये ट्रामाडोल। डिगमंडी निवासी रवि की कार से गोलियां बरामद की। आरोपी रवि को कोर्ट में पेश कर हासिल किया जाएगा रिमांड। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ शुरू किए गए प्रबल प्रहार अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। CIA सिरसा इंस्पेक्टर दिलीप सिंह की टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान गांव फुलका क्षेत्र से एक व्यक्ति को 1,05,600 नशीली ट्रामाडोल गोलियां बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान रवि निवासी डिंग मंडी के रूप में हुई है। सिरसा पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रवि को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और सप्लायर व अन्य शामिल लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। थाना डिंग मंडी में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल रात हमारे सिरसा जो CIA है वो गश्त में थी और गश्त के दौरान उन्होंने एक गाड़ी जो है फुलका गांव के क्षेत्र में उसको रोका और जब और ब्लैक शीशे वगैरह लगे हुए थे, कुछ पर्दा सा लगा रखा था, उसने शक हुआ कि ये क्या है, कुछ गलत हो सकता है। गाड़ी को रोक के उसको चेक किया गया तो चेक करने पे उसमें 5 पेटियां जो गत्ते की होती हैं वो बरामद हुई। उसको जब चेक किया गया तो उसमें ट्रामाडोल की गोलियां जो होती हैं, जो NDPS एक्ट में कवर की जाती हैं और नशीली गोलियां हैं, वो मिली हमें। जब सारी पूछताछ की गई, जब काउंट किया गया तो वो करीब 1,56,000 के करीब ये गोलियां हमें मिली हैं वहाँ से। और जिस बंदे को हमने अरेस्ट किया है उसका नाम रवि है, डिंग मंडी का रहने वाला है और फर्दर इसमें पुलिस जो है जो लीगल कार्रवाई होती है करने के बाद इसमें फर्दर जो एक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम कर रहे हैं। आज कोर्ट में पेश करेंगे, फर्दर रिमांड लेंगे, इसका इसके तार कहां कहां तक जुड़े थे और उसकी भी जांच करेंगे हम और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अभी फर्दर जब इससे पूछताछ होगी ये कहां सप्लाई करता था, कौन सप्लायर था इसका, वो सारी चीज़ें जब सामने आ जाएंगी, ऑन पेपर आ जाएंगी तो फर्दर एक्शन हम लेंगे इसमें।